Olim, मैम जानना चाहूँगा मिसेस इंडिया यूनिवर्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना यूनिक प्लेटफॉर्म है मैरिड वुमन के लिए, कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं आप? तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं तो आरएसएस के साथ में हूँ, तो इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर मिसेस इंडिया यूनिवर्स। दो कंटेस्टेंट जो आने वाली, मैं उनके लिए तो यही कहूँगी कि बहुत ही बता, यहाँ पे बहुत ही ग्रूमिंग अच्छी होती है। और मैं तो अभी इसमें डरबन ना जा सकी, आई विल बी गोइंग टू लंडन यूके, एंड इट्स अ वेरी वेरी परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मिसेस। मैम आप क्या कहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कितना यूनिक है और कितना कॉन्फिडेंस? आने वाला प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि जो मिसेज इंडिया अभी हुआ था वो एक अमेजिंग था। इतने कंटेस्टेंट देखे हैं, मैं खुद उसकी विनर हूँ, मैंने ऐसे जैसे कंटेस्टेंट कभी नहीं देखे। और जो आने वाला है वो एक बहुत ही बड़ा ये करने वाले हैं प्लेटफॉर्म, तो हम लोग सब मतलब हैं। आप जानना चाहूँगे इस बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कितना यूनिक है, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? एक्चुअली मैं ट्रैवल से बिलोंग करती हूँ और आरएसएस ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिसने एक ट्रैवल वुमन को आगे लाया, लोकली नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे उन्होंने उसको प्रमोट किया। आज आरएसएस की वजह से मेरे जो ट्रैवल के जो वुमेन्स थे दे आर वेरी होपफुल एंड उनको दिख रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ओनली आरएसएस। और अभी इन्होंने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है मिसेस इंडिया यूनिवर्स का, तो जस्ट इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई और दे सकता है इतना अच्छा। और ये लोग खाली लोकल नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंटेस्टेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उनके जो उनके अंदर जो छुपी जो भी कुछ उनमें टैलेंट्स है वो इंटरनेशनल लेवल के स्टेज पे जाके उनके कंटेस्टेंट प्रमोट कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट आरएसएस एंड नाउ मिसेस इंडिया यूनिवर्स। Well, I think firstly, it's a great honor being over here, part of this event. Well, this Mrs. India Universe, I think it's an excellent platform for all the Indian married women to showcase their talent confidently, independently, and prove themselves as great women of India. So I think I'm also a feminist and I work towards women empowerment. So I think it's a great privilege to all the women out over here who are so beautiful. And after marriage, they get a chance to prove themselves. So I think it's really great. Basically, I think it's a fantastic event organized and it's running in so many cities. And it's great because it gives the opportunity to married women to go out there and make a recognition for themselves. And it's held at such a grand stage. We are all proud of Rakesh Agarwal, who's behind this event. And we are here to support him and to support all the contenders. Thanks, man. Thank you.